हमारी लोकप्रिय विधायक श्रीमती रेणुमाला जी आपके बीच में पहुंची है। हम उनका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। और जो मेरे साथी मेरी मात्र शक्ति यहाँ पर पहुंची, प्यारे बच्चे नौजवान साथी अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर पहुंचे, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज चेयरमैन साहब मेरे साथियों, आपने जो पिछली 10 साल की सरकार बीजेपी की गई वो आप लोगों ने भली भांति देख ली। वो जुमलों की सरकार थी, जुमलाबाजी थी, बात शुरू की थी 15 लाख से, 2 करोड़ रोजगार देने से, और 12 दिन में फैलाने से, और 100 करोड़ बनाने से उन्होंने बात शुरू की थी। पर सब लिया और मैं आपके पास नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, तो लाला जी के पास गया और लाला जी ने नजर मारी कि यार आदमी तो देख रहे हो ठीक ठाक लगा। तो लाला जी ने पूछा भाई पेपर में इसका ठीक ठाक पढ़ा, पहन लगे जी मैंने पढ़ा, मैं रखते अच्छे में नौकरी देने वक्त तक क्या हूँ। इससे पहले भी मैडम यहाँ से विधायक रही, उन्होंने बहुत ही आदर और सम्मान के योग हल्का विधायक श्रीमती रेणुमाला जी साथ में चल रहे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण वे यहाँ पर पहुँचे। मेरे पिता दिलीप जुर्गो, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों और हमारे यहाँ से एमसी साहब हैं गोपाल जी, श्री अशोक जी, अंकुश चौहान जी। साथियों, हम समय से लेट आए उसके लिए क्षमा करने के लिए आए हैं कि विधानसभा का चुनाव चला हुआ है, 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, उसकी वोट की अपील करने के लिए आपके बीच में आए हैं। हमारी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से श्रीमती रेणुमाला जी हैं और उनके हक में वोट आपसे इसलिए मांगने आए हैं, उसके 2-3 कारण हैं, मुख्य मुद्दे हैं। बीजेपी का शासन आपने 10 साल देखा, जिस तरह से वो छोटे दुकानदार के विरोधी रही, मजदूर के विरोधी रही, किसान के विरोधी रही, आम आदमी की विरोधी रही, उसका राज आपने देखा। किस तरह से फैमिली आईडी में, राशन कार्ड में, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में एक दूसरे से लिंक करवाओ, किस तरह से उलझा के रख दिया, हर परिवार का एक सदस्य सीएससी सेंटर पर उसको दुरुस्त करवाने के लिए लाइनों में खड़ा है, अनाज लेने के लिए वो लाइनों में खड़ा है। बीपीएल कार्ड किसी दिन कट गया, फिर जुड़ गया, फिर कट गया, कहीं थोड़ी सी इनकम अगर फालतू हुई तभी कट जाता था। आज जीएसटी लगाकर दुकानदार की दुकानदारी खराब कर दी और साढ़ोरा का इतना बुरा हाल कर दिया, कमेटी लाकर कि हर घर को एनडीसी बनवाने के लिए, कहीं रजिस्ट्री करवाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। मैंने कमेटी में देखा कितने बुजुर्ग हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, कितने बुजुर्ग हमारे वहां पर धक्के खाते हैं। सबसे ज्यादा परेशान तो हमारे एमसी हैं, क्योंकि लोग इनके पास काम को जाते हैं और ये तो काम करवाने में असमर्थ रहते हैं। मेरी तो विधायक की एक ही डिमांड है समस्त साढ़ोरा वासियों की तरफ से, जो मेरी बात को सहमत होगा मेरी बात से, वो हाथ जरूर उठाए कि साढ़ोरा की कमेटी को दफन करके पंचायत बहाल करो। सबसे बड़ा मुद्दा यही है साढ़ोरा के अंदर कि जल्द से जल्द जैसे ही आप सत्ता में आओ पंचायत बनवाओ यहाँ पर। और मेरी आप सभी से भी एक अपील है, आज की बात शर्मा जी रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और मैं इनकी रिकॉर्डिंग भी बताना चाहता हूँ, जो गठबंधन का प्रत्याशी है 20,000 करोड़ नहीं करेगा, बीजेपी का प्रत्याशी 40,000 करोड़ नहीं करेगा, आप लोगों की प्रत्याशी आप लोगों की मेहनत के बलबूते पर 1 लाख वोट लेकर जा रही है यहाँ से, 1 लाख वोट। सभी यहाँ पर जितने भी पहुंचे और जो मेरी बात सुन रहे हैं, सभी से मेरी एक ही अपील है कि अपना एक एक कीमती वोट श्रीमती रेणुमाला जी के हक में दें। यहाँ पर जो हाथ का निशान है उसके सामने वाला बटन दबाकर श्रीमती रेणुमाला जी को कामयाब बनाएं। तीन बार अनाउंस करते हैं।
अब मैं आदरणीय विधायक श्रीमती रेणु बाला जी से अपील करता हूं कि लोगों के साथ अपने विचार साझा करें। वो आज सढौरा नगर में इस कार्यक्रम में पहुंचे हमारे सभी रविदासिया मोहल्ले के सम्मानित आदरणीय मेरे बड़े बुजुर्ग सभी आए हुए सम्मानित मेरे युवा साथी मेरे भाई यहाँ से सभी एमसी साहबान और आई हुई सभी मेरी माताएं बहनें आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और सुबह से मेरे साथ चल रहे हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और सम्मानित मंच आप सभी को मेरा राम राम प्रणाम जय गुरुदेव धन गुरुदेव। साथियों आप सभी जानते हैं कि चुनाव का समय है और इस चुनावी दौर में आज आप लोगों के बीच आपके आशीर्वाद की कामना करते हुए आप सबसे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए पहुंची हूं। साथियों आप सब ने मुझे पहले भी अपना आशीर्वाद दिया अपना सहयोग दिया अपना समर्थन दिया लेकिन विडंबना यह रही कि हम विपक्ष के विधायक रहे और सरकार भाजपा की बनी और जो मिली जुली सरकार बनी इस तानाशाही सरकार से हम देख भी चुके हैं इसको भुगत भी चुके हैं कि इस सरकार ने हर वर्ग के ऊपर कितना अत्याचार किया कितने लाठियां और डंडे बरसाई गई चाहे वो किसान मजदूर हो कर्मचारी हो व्यापारी हो या हमारे युवा हो या हमारी महिलाएं हो। नारे तो बड़े बड़े दिए सबका साथ सबका विकास की बात कही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी बात कही महंगाई की बात कही थी बेरोजगारी की बात कही थी अच्छे दिन लाने की भी बात कही थी और 15 लाख देने की भी बात कही थी। आज 10 साल में किसके अच्छे दिन आए कहां किसी को 15 लाख मिले महंगाई कहां खत्म हुई बेरोजगारी कहां खत्म हुई। आज इस भाजपा की देन है कि आज हमारे पढ़े लिखे बच्चे युवा बेरोजगार डूब रहे हैं आज हमारा गरीब समाज और गरीब होता चला गया और जो मोदी जी के दो प्यारे थे अंबानी अडानी वो और अमीर होते चले गए। साथियों आज कहां किसी के अच्छे दिन आए कई लाठियां डंडे हमें खाने को मिल रहे हैं कि ये इन अच्छे दिनों की कल्पना हमने की थी नहीं हमने तो ऐसे दिन कभी सोचे भी नहीं थे जो आज इस भाजपा के राज में हर वर्ग को दिए जा रहे हैं। साथियों हम लोग तो विपक्ष में रहे आप सबको मैं कहना भी चाहती हूँ ऑन द रिकॉर्ड ये बात है चाहे हमारे हॉस्पिटल का मुद्दा हो चाहे यहाँ की पंचायत का मुद्दा हो यहाँ के स्कूल का मुद्दा हो या डॉक्टर का मुद्दा हो या यहाँ के विकास का मुद्दा हो हर मुद्दे को विधानसभा सत्र में मैंने उठाया ताकि अपने क्षेत्र का हम विकास करा सके लेकिन ये गुली वाली सरकार कहने को तो बड़े वादे किए समान विकास करेंगे बोला था कि हर साल 5-5 करोड़ हर विधायक को दिया जाएगा लेकिन 5 साल में वो 5 करोड़ भी नहीं दिए गए तो ऐसी झूठी सरकार जो ऐसी तानाशाही सरकार रही इस सरकार को सत्ता में रहने का क्या। साथियों आप सबसे अपील करूंगी मैं तो जितना मैंने विधानसभा में यहाँ से गोरा के हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया क्योंकि आज आप इतनी परेशानियां रहती है कि किसी को डॉक्टर नहीं मिलता न किसी को इलाज मिलता तो मुख्यमंत्री जी से हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 8-10 साल आपकी घोषणा को हो गए तो आप इस हॉस्पिटल को तो पूरा करो तो लास्ट में जाके उन्होंने ये घोषणा जब बोली हुई थी उसको वो मंजूर करके गए जिसका हमने वो आज आपके हॉस्पिटल का काम लगा हुआ हॉस्पिटल मंजूर कराया यहाँ की सड़कें थी वो सड़कें मंजूर हुई और ऐसे जो डेवलपमेंट के काम थे लेकिन जितना फंड हमें मिलना चाहिए था वो फंड इस सरकार ने नहीं दिया क्योंकि जो काम होते हैं वो फंड द्वारा ही होते हैं लेकिन
मैं आपको विश्वास देती हूँ, आज महाराज जी के चरणों में खड़े हैं, आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपका सहयोग मिलेगा, तो सुभारा क्षेत्र यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीत के जाएगी, तो हरियाणा में सरकार बनेगी, तो आप सबकी अपनी सरकार बनेगी। और आपको इतना वादा करती हूँ कि सरकार में रहकर आपके कामों का जो विकास हो रहे हैं और आपके बच्चों को रोजगार देने का हम काम करेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपकी सरकार बनेगी। ये नहीं कि जैसे भाजपा ने अपनी बातें मीठी मीठी बातें करके लच्छेदार भाषण दे देकर नई नई घोषणाएं कर दी, घोषणाओं को पूरा भी नहीं किया। साथियों, कांग्रेस के राज में हर वर्ग को कुछ ना कुछ सौ बात हुई, और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सबसे पहले आपको पेंशन 6000 पेंशन दी जाएगी, 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिया जाएगा, 6000 विधवा पेंशन और 6000 विकलांग पेंशन दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, और जो मेरी माताएं बहने बैठी सारी आप लोगों के लिए राज में कुछ ना कुछ सौगात है, हर महीने 2000 रुपए आपके खाते में सीधा कांग्रेस सरकार देगी, 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बना के दिया जाएगा, जिसमें आपकी दवाइयों का खर्चा, आपके हॉस्पिटल का खर्चा कांग्रेस सरकार आपको देगी, गरीब लोगों को 100 गज के प्लॉट में 2 कमरे बाथरूम किचन और शौचालय बना के कांग्रेस सरकार देगी, किसानों की एमएसपी की गारंटी दी जाएगी और पुरानी पेंशन लागू की जाएगी, और जो तानाशाही सरकार ने पोर्टल पर पूरा खेल खेल रखा है, फैमिली आईडी का नया खेल रचा हुआ है जिसमें सभी लोग की तरस्त है, उस फैमिली आईडी को खत्म किया जाएगा और पोर्टल पोर्टल को बंद करके पहले की तर्ज पे जनता को सुख सुविधाएं दी जाएंगी। साथियों, आप सबसे निवेदन करती हूँ, आपके बीच में बहुत सारे लोग आएंगे, चाहे भाजपा के हो, चाहे आम आदमी के हो, चाहे बीएसपी के हो, अगर आप इतना वोट बीएसपी या आम आदमी को दोगे या किसी और दल को दोगे तो उसका सीधा फायदा भाजपा पार्टी को होगा, क्योंकि ये भाजपा की डी टीम है और उसी के तहत ये काम कर रहे हैं, उसी के तहत ये खड़े हुए हैं, अगर ये दोबारा सत्ता में आए, इनको ऐसा मौका मिला तो आपके बच्चों का भविष्य। तो आपके बच्चों का भविष्य और आपके जो यहाँ के डेवलपमेंट के काम होने हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो साथियों, आप सबसे मैं विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आने वाली 5 तारीख को आप हाथ के सामने का बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जितवाएं, ताकि आपकी हरियाणा में जो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है इस सरकार में आपकी भागीदारी, आपकी दावेदारी हम बड़ी मजबूती के साथ उठाएंगे, और यहाँ के जो काम होने वाले हैं और जो काम रुके हुए हैं सरकार में रहकर उन कामों को भी पूरा करवाएंगे। मैडम रेणु बोला आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं। साथियों, मैं आप सबसे पुनः अपील करूंगी और आपसे वादा भी करती हूँ, जो भी आपके बचे हुए काम है, जो भी काम होने वाले हैं, सरकार आपकी बन रही है और 100% कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि आपके सरकार में जो काम है वो काम होने वाले और उनको काम को करवाएंगे, और जो आपके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं उन बच्चों को रोजगार देने का भी सरकार में हम काम करेंगे। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी का अपना बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया। ये आपके पास से घर में चक्कर मार मार के लेटर आपने दिया था जी हमें, रिकॉर्ड है ये, मैंने विधानसभा में भी बोला कि जो हमारे